कई जगहों का इतिहास इतना भव्य होता है कि उनको संजोने के लिए किताबें भी कम पड़ जाती है। तब हमें सहारा लेना पड़ता है इन पत्थरों का। और जी हाँ, इन पत्थरों में लिखी हुई ये शानदार और भव्य इतिहास को आज मैं आपके सामने दोहराने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक अद्भुत घटना और खोलूँगा इतिहास के कुछ पन्ने गेड़ी गांव के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गांव की एंट्री में हमने दर्शन किए माँ हिंगलाज के। इसके पीछे का इतिहास यूँ है कि गांव के ही राजा ने माता हिंगलाज को पाकिस्तान से यहाँ पर बुलवाया था, लेकिन रास्ते पर डाउट होने पर जब राजा ने पीछे मुड़कर देखा, माँ हिंगलाज ने यहीं पर रुकने का फैसला किया और यहाँ पर राजा ने बनवाया ये भव्य मंदिर। तो हर बार जब निकलते हैं ऐसे दूर दराज गांव में, रास्ता काफ़ी कठिन होता है और इसका भी कुछ रूट ऐसा ही है। हम चले हैं इस वक्त गेड़ी की ओर। भाई रूट काफ़ी ख़तरनाक था। काफ़ी ऑफ रोडिंग झेलने के बाद फाइनली हम लोग गांव में पहुंच चुके हैं। और गुजराती में कहे तो वाया वाया हमने एक पर्सन के नंबर लिए हैं जिनका नाम है पृथ्वी भाई। तो सबसे पहले मिलेंगे पृथ्वी भाई से। पृथ्वी भाई फ्री ही थे और जो आपने अभी अभी मंदिर देखा उसकी पूरी वो देख रेख करते हैं, उनकी टीम मतलब। और काफ़ी सारे ऐसे पेड़ पौधे वहाँ पर लगा रखे हैं। हिंगलाज माँ का मंदिर था अभी भी जो आपने देखा, उसके पीछे भी काफ़ी ऐसी अच्छी मतलब अच्छा इतिहास है उस जगह का, वो आपको दिखाएंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। तो ये रहे अपने पृथ्वी भाई। और पृथ्वी भाई हमें दिखा रहे हैं ये जो पत्थर है वो वीर पुरुष के हैं और पूरे गेड़ी गांव में ऐसे पत्थर मौजूद हैं। देखिए आप, इसका इतिहास लिखा हुआ दिख सकता है और कुछ कुछ जगहों पर इतना मतलब पानी वगैरह की वजह से ये थोड़े ख़राब भी हो चुके हैं। इसके अक्सर कुछ ठीक तरह से पढ़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी साल पुराने ये वीर पुरुष के पत्थर हैं। चलो यारो फिर से निकले हैं और अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी मूर्ति। जी हाँ, एक मूर्ति है दशावतार मूर्ति जो कि काफ़ी रेयर है। वो मूर्ति इस गांव के अंदर है और सिंधु से आए किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने उसको नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन फिर भी मूर्ति संभाली हुई है। किसी पुराने मंदिर में वो मूर्ति, और ऐसा कहा जाता है कि उस मंदिर में पांडवों ने आके पूजा भी की थी। तो कच्छ में सबसे पुराने और ऐतिहासिक गांव में से एक है। वैसे इसके पीछे की एक और स्टोरी है। एक बात आपको बता दें कि गेड़ी गांव जो है वो अपने घी के व्यापार के कारण भी काफ़ी फेमस है। बात है कि एक कोई शख्स हुआ करता था गांव में, कोई व्यापारी घी का व्यापार करता था। तो एक दिन उनको कुछ ऐसी चीज़ मिली जिनके ऊपर वो मटका रखता था, तो वो मटका पूरा घी से भर जाता था। ऐसी कुछ चीज़ चमत्कारिक चीज़ आप कह सकते हैं उस बंदे को मिली। और उसके बाद जो है ये गांव काफ़ी प्रगति करने लगा काफ़ी ज़्यादा, और उस शख्स ने बहुत सारे मंदिर भी बनाए और एक कुआ भी बनवाया है। साथ में यहाँ का तालाब जो है वो भी काफ़ी ऐतिहासिक है और तालाब में कुछ जगह गड्ढे बने हुए हैं और कहते हैं कि उसका पानी जो है वो लगाने से आपकी स्किन प्रॉब्लम मतलब कोई भी हो स्किन इन्फेक्शन वो दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मंदिर, ये रहा मंदिर, और दिखाते हैं वो दशावतार मूर्ति। चलो चलते हैं पृथ्वी भाई के साथ अंदर और देखिए आप ये मूर्ति।
मैं इस वक्त केड़ी गांव में हूं और कई ऐतिहासिक ऐसी मूर्तियां यहां पर हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हमको दे रहे हैं हमारे पृथ्वी भाई और साथ में हैं भूपेंद्र भाई। दोनों हमको अच्छे बंदे मिले काफ़ी और काफ़ी हमारी हेल्प की है। ऐतिहासिक मंदिर और ऐसी बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां वगैरह हमको दिखा रहे हैं और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी मूर्ति जो मुझे नहीं लगता आपने कहीं पर भी देखी होगी। मैंने भी पहली बार देखी है। जब मैंने इसके बारे में सुना मैंने उसी दिन ठान लिया था कभी ना कभी इस गांव में जाऊंगा और ये काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक गांव है जहां पर बहुत सारे ऐसे स्टोन है जिस पर मूर्तियां बनी हुई जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं और इतिहास का कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा है जो बिखर गए हैं लेकिन हम उसी इतिहास को वापस समेटने की कोशिश कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल थ्रू। ऐसी बहुत सारी अभी चीज़ें आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, जुड़े रहें। चलो वापस से कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। अभी जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो यही है भगवान विष्णु की दशावतार मूर्ति जिसमें भगवान विष्णु के दसों अवतार के स्वरूप आप इस मूर्ति में देख पा रहे होंगे। कहते हैं कि बाहरी आक्रमणकारियों ने इस मूर्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है लेकिन फिर भी ये प्रतिमा आज करीब करीब वैसी ही है क्योंकि ये प्रतिमा एक या दो ही है। और साथ में इस मंदिर के आंगन में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर के अवशेष और ऐसी अद्भुत कलाकृति। आपको दिखाया गेड़ी गांव काफ़ी ऐतिहासिक गांव धोलावीरा में हमने की आहिरों की मेहमान गति और यहाँ की हमने राजपूत की मेहमान गति लेकिन दोनों ही मेहमान गति में किसी भी जात की कोई भी कमी नहीं रही। इतना ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई इनका फैमिली मेंबर हूँ। मेरे को बहुत अपनापन फील हुआ यहाँ पर और भाई का काफ़ी सारा प्यार मिला मेरे को। दोबारा ज़रूर आएंगे तब बहुत टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पर पूरा स्पेशल इसी की ट्रिप करेंगे हम विलेज की हेरिटेज विलेज की। अभी तो क्या थोड़ा जाना है और दोपहर का टाइम है काफ़ी लंबा रूट है इसलिए मैं निकल रहा हूँ लेकिन भाई के यहाँ लंच किया और काफ़ी मस्त शानदार लंच था गाइस। तो सूरज आप भी कुछ हमारे दर्शकों को बोल दीजिए थोड़ा। ना ना देखते रहो। हाँ बस लाइक करो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हम गेड़ी से निकलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।